चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है जैव सुरक्षित वातावरण अर्थात बायो बबल्स। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, बायो बबल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इनके क्या प्रभाव होते हैं, यह चर्चा में क्यों है। खेल जगत ने बायो बबल बनाकर कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। ये स्वच्छता वाले क्षेत्र हैं जिन्हें केवल कुछ लोगों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जो वायरस से संक्रमित नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग से लेकर यूएस ओपन और एनबीए तक इस रणनीति का उपयोग करके पिछले वर्ष में टूर्नामेंट हुए हैं। इसका दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो खिलाड़ियों पर पड़ता है। बायो बबल कुछ क्षेत्रों और सीमाओं तक सीमित होता है जहां कोई भी एक दूसरे से मिल सकता है और बातचीत कर सकता है। जैव सुरक्षित वातावरण अर्थात बायो बबल्स क्या होते हैं? कोविड से रोकथाम के लिए बनाए गए नियम को बायो सिक्योरिटी बबल कहा जाता है। इसके दायरे में खिलाड़ी, कोच और उनका स्टाफ भी आता है। जितनी ज्यादा टीमें उतना बड़ा यह बबल होता है। जैसे ही खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए एयरपोर्ट पर उतरते हैं, यह बायो सिक्योरिटी बबल सक्रिय हो जाता है। बायो सिक्योरिटी बबल्स के क्या प्रभाव होते हैं? जैव सुरक्षा हानिकारक जीवों की शुरुआत या प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उपायों का एक सेट है। इसका उद्देश्य वायरस, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के कारण लोगों या जानवरों के संक्रमित होने या जोखिम को कम करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।